नमस्कार, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के दौरान कुमार बिंदेश्वर जी क्या कह रहे हैं, आइए ध्यान से सुने। वीडियो आप सभी को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के राज्य कमेटी की विस्तारित बैठक केदार भवन अदालतगंज पटना में चंद्रावती देवी जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से 29 सितंबर से बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आहूत 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के अवधि में घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव जो 4 दिन का आयोजित हुआ, उस पर सरकार द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई। महिला पुलिस कर्मी न रहने के बावजूद भी पुरुष पुलिस कर्मी से भी हमला कराया गया और वो घटना तो सर्वविदित हो गया। बिहार की राजधानी पटना में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ कि पिछले दिनों महिलाओं का, उसमें भी खास कर करके आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो आंदोलन हुआ, उसमें इतनी बेरहमी से क्रूरता से दमन चक्र जिस तरह से अंग्रेजी हुक्मरान को भी बिहार सरकार फेल कर दिया। आज भी सैकड़ों लोग घायल अवस्था में अपने अपने घरों में इलाज करा रहे हैं, किन्हीं का पैर टूटा हुआ है, किन्हीं का हाथ टूटा हुआ है, बहुत लोगों का बड़े पैमाने पर सर टूटा हुआ है। शरीर पर तो घायल लोग जो हैं हजारों की संख्या में हैं। इस तरह से निर्ममता पूर्वक बेरहमी के साथ बिहार सरकार की पुलिस यह भी नहीं देखी। हमने तो उस समय भी कहा था कि इतना सजग अगर बिहार की पुलिस अपराधियों पर हो जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा, राज्य का कल्याण हो जाएगा, लेकिन अपराधी पर तो नहीं। ये महिलाएं जो अपने हक और अधिकार के लिए 29 सितंबर से हड़ताल में थी, नहीं मिलने के कारण महापड़ाव लगाने का काम किया, पटना आई, विधानसभा सत्र चालू था, जहां कि इनका था कि विधानसभा सत्र के दरमियान तो कम से कम हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन एक तरफ बिहार सरकार के सारे नुमाइंदे विधानसभा के अंदर थे और बाहर में लाखों आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और उनके गार्जियन लोग पिट रहे थे, महिलाओं का चीर हरण हो रहा था। तो यह जो निर्ममता पूर्वक कार्रवाई हुई है, इस बैठक में भर्त्सना की गई, निंदा किया गया कि जिस देश में जनतंत्र कायम हो, लोक की सरकार हो, वेलफेयर स्टेट कहलाता हो, और वहाँ भी आंगनवाड़ी अगर अपने हक और अधिकार के लिए मांगने आई और उसके साथ जिस तरह से कार्रवाई हुई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए आज के बैठक में सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि सरकार
जिस तरह से अपने हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, यह हठधर्मिता को त्यागे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के डेलीगेशन से वार्ता करे, उनके मांगों की पूर्ति करे और हड़ताल को समाप्त कराए। ये डायरेक्ट जो है वार्ता ना करके, मांग ना दे कर करके और दमन की कार्रवाई को और आगे बढ़ाया। अब तक 20,000 से ऊपर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का चयन रद्द हो गया है। बैठक में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि यह चयन रद्द करना क्या उनको अधिकार है। एक जो भारत के संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत अपने न्यूनतम मजदूरी प्रोत्साहन राशि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लागू कराने के लिए जब सड़क पर उतरी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ये अधिकारी लोग ऊपर हैं? इनको कौन अधिकार दिया है चयन रद्द करने का? ये चयन तो कर नहीं सकते। निश्चित तौर पर इन्हें संविधान पढ़ना चाहिए, मार्गदर्शन। हाँ, तो हम बता रहे थे कि एक साधारण जो मनुष्य के लिए मानव चरित्र होना चाहिए, ये भी इन लोगों के पास नहीं है। अब तो कुछ लोग जो है महिला महिला बोलती थी कि महिला को बड़ा दर्द होता है। ये कहाँ गया महिला के दर्द भाई? ये महिला ही मतलब महिला के हत्या कर रही है, महिला ही पुलिस भी आ गई पुरुष के साथ मिलकर करके और चीरहरण कर रही थी। कई लोग डेथ कर गए। अभी सहरसा में घटना घटी है, एक मुंगेर में घटना घटी है, उनके घर पर चिपकाया गया नोटिस और हार्ट फेल हो गया। वाह, ये आतंक, ये सरकारी आतंक है। हम मांग करते हैं कि इस तरह से, अभी तो धीरे धीरे जानकारी मिल रही है, दर्जनों हत्या हो गया इसमें। हम इस घटना की मांग करते हैं कि जो 96 घंटे का घेरा डालो डेरा डालो महापराव के दरमियान 7, 8 और 9 नवंबर को जो बड़े पैमाने पर बेरहमी से मारपीट किया गया, पानी के बहारा, गिरफ्तारी और जिससे कई की मौत, हजारों घायल, इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए और सरकार पर भी आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। कानून से निदेशक महोदय और प्रधान सचिव या मंत्री महोदय वंचित नहीं है। और फिर बात यहां आकर के अटकी है, कहते हैं पहले हड़ताल तोड़ दो तब बात करेंगे। ये हिटलर के लोग हैं क्या? अंग्रेज के लोग हैं क्या? ये मंत्री जी को बोलते थोड़ा भी नहीं लज्जा लगता है कि बोलते हैं हड़ताल तोड़ दो, संविधान को जला दीजिए? मंत्री जी, प्रधान सचिव जी, डायरेक्टर जी, जिस संविधान के अंतर्गत आप मंत्री हैं, आप पदाधिकारी हैं, आपको कतई यह बोलते शोभा नहीं देता। थू थू हो रही है, पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान में आपके चेहरा का। इसलिए हम जरूर अभी भी विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं, हिटलर शाही रवैया, तानाशाही रवैया छोड़ दीजिए। अभी तक जो जो जनता से टकराया,
उसका हिटलर का कैसे मौत हुआ था, आप पढ़े लिखे लोग हैं जरा अभी से भी पढ़ लिख लीजिए तो कहीं वही गति आपकी ना हो जाए। इसलिए सेविका संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत है, आप इलीगल बोल रहे हैं, कौन धारा से इलीगल है समझा दीजिए ना, कहिए कि ये धारा के तहत। तो एक सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं न्यायाधीश और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बाकी कुछ नहीं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं उल्लंघन नहीं कर रही है, खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन बिहार सरकार और ICDS के पदाधिकारी गण कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका एक साल से लगातार लिख रही है, डायरेक्टर साहब, प्रधान सचिव महोदय जी और मंत्री जी कागज झूठ नहीं बोलेगा।